कुछ लोगों के घर में मांस पकता है, मांस मछली। आप लोग मछली वछली खाते हैं? मैया खाती हो मछली? मैया ओ मैया आप खाती हो मछली? आपसे पूछ रहे हैं, सोफे में बैठी है मैया, आप खाती हो मछली? नहीं बैठी रहो, बैठी मछली नहीं खाते। अंडा मुर्गी? मैया आप खाती हो? नहीं आप खाते हो? आप लोग पीछे कोई खाता है? है कोई महापुरुष? कोई नहीं। अच्छा होंगे भी तो बताएंगे नहीं। मांस ये जो गलत है ना, वो गलत है, उसे गलत आप सही नहीं कर सकते, इसलिए गलत कोई काम ना हो आपसे, सही काम आपसे हो, इसलिए आप लोग अच्छे से खाओ, अच्छे से बनाओ, अच्छे से दे करके खाओ। भगवान से प्रार्थना करो, बोलो हे नाथ, जोर से बोलो हे प्रभु हमें देने वाला बनाइए, हे नाथ हमें देने वाला बनाइए, आपको लेने वाला भगवान ना बनाए, आप सदा इन हाथों से दें। भगवान करे आपके हाथ सदा देने के लिए आगे रहें, बढ़ते रहें। एक जब छोटे छोटे बच्चे थे ना हम, तो एक बार गणेश जी बिठाए, तो गांव के बड़े आदमी के घर चंदा लेने गए, तो उन्होंने कहा जब देखो तब चले आते हो, हमारा ही घर मिलता है क्या? तो हमने कहा देखो भगवान ने आपको देने के लायक बनाया है, इसलिए आपके घर बार बार लेने आते हैं, यदि ईश्वर ने देने लायक नहीं बनाया होता तो आपके घर, तो ये भाग्य की बात है, ये परम सौभाग्य है कि आपसे कोई लेने आता है, आपसे कोई मांगता है, और आप इस लायक हैं कि आप दे सके। इसलिए देने लायक होना तो ईश्वर से कहो प्रभु हम और दें, ऐसी कृपा करो कि हम और सेवाएं करें और दें।